हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ऐसे के लिए ध्यान देना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री क्लासेस। यहाँ से स्टार्ट, क्लास 8 था ये और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ध्यान देना, जो अगर सीबीएसई के बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चों में चार ही टॉपिक है, जबकि आईसीएसई में थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि हम लोग कम्बाइंड पढ़ेंगे, कुछ सीबीएसई का भी पढ़ेंगे और कुछ आईसीएसई का। बेसिकली मैं तो पूरा दोनों पढ़ाने वाला हूँ, सीबीएसई भी पढ़ाने वाला हूँ, भी आईसीएसई वाला भी पढ़ाने वाला हूँ। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा, ध्यान देना, आईसीएसई के टॉपिक्स पढ़ लेना, अलग बात है एग्जाम में वो नहीं आएगा, एग्जाम के समय मत पढ़ना, पर नॉर्मली आईसीएसई के टॉपिक्स भी पढ़ना। आईसीएसई वाले बच्चे हैं उनको मैं फिर भी ये बोलूंगा कि तुम लोग भी जो सीबीएसई के टॉपिक्स है सीबीएसई वाला पढ़ना, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो एग्जाम के टाइम में बस अपना सिलेबस पढ़ के जाना और एग्जाम देना। तो ये हो गया सीबीएसई और आईसीएसई। पढ़ाऊंगा मैं दोनों, ध्यान देना, सीबीएसई भी पढ़ाऊंगा और आईसीएसई भी पढ़ाऊंगा। सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में हमारा जो पहला चैप्टर है, ध्यान देना, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड फाइबर्स है। सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड फाइबर्स है, वो थोड़ा सा टॉपिक जो है थोड़ा सा, ध्यान देना, बोरिंग है, इसलिए ध्यान देना मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया। मैंने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेरा पहला रिक्वेस्ट है, ध्यान देना, जिन लोगों ने अभी तक नोट्स कॉपी नहीं किया है वे घर पे बैठे रहे और नोट्स कॉपी कर ले। नोट्स अगर कॉपी रहेगा, ध्यान देना, तो इस वीडियो लेक्चर को देखना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं देख के बार बार नोट्स कॉपी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स पहले ही से तुम लोग पूरा का पूरा कॉपी कर लो और इन वीडियो लेक्चर को देखो। वीडियो लेक्चर में जो भी मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ उनको भी अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो ये समझ में आ गया है कैसे पढ़ना और कैसे नहीं पढ़ना, ये सब समझ में आ रहा है। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ध्यान देना, ये जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके part-1 का एग्जाम होगा, उसमें आएगा part-1 में सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड फाइबर्स आने वाला और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आने वाला। तो ऑब्वियस बात, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आने वाला है। जो आईसीएसई के बच्चे हैं उनके में भी ध्यान देना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थोड़ा सा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में उन्हें पढ़ना है, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है क्या, तो ध्यान देना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स है क्या। एलिमेंट्स जैसे तुम्हें दिखा रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा नोट्स में, जैसे या वीडियो में दिख भी रहा होगा, एलिमेंट्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ध्यान देना, एलिमेंट बेसिकली क्या, आपको ध्यान देना, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तुम लोगों ने थोड़ा सा नाम भी सुना होगा कि हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में नाम सुना होगा, आयरन के बारे में सुना होगा, कॉपर के बारे में सुना होगा, गोल्ड के बारे में सुना होगा, सिल्वर के बारे में सुना होगा। ये सब के सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स। ध्यान देना, एलिमेंट्स क्यों ध्यान देना, क्योंकि ये प्योर है। क्यों ध्यान देना, एलिमेंट्स क्यों ध्यान देना, क्योंकि ये ध्यान देना, ये मेरे लिए क्या है, ध्यान देना, प्योर सब्सटेंस है। जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। और प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, ध्यान देना, एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। कहने का मतलब, ध्यान देना, जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में केवल कॉपर का एटम होगा, किसी और का एटम नहीं होगा। अगर तुम बात करते हो गोल्ड में, तो गोल्ड में गोल्ड का एटम होगा, केवल गोल्ड का एटम होगा, किसी और का एटम नहीं होगा। सिल्वर का गोल्ड में मिक्स नहीं कर सकते हैं, और गोल्ड में सिल्वर को मिक्स नहीं कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट का डेफिनेशन सभी लोग का समझ में आ रहा है, एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस जिसमें बेसिकली एक ही टाइप का एटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। नेक्स्ट जो है, ध्यान देना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। ध्यान देना, एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम को थोड़ा सा तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम होता क्या है, या अभी नहीं पढ़ा होगा तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा कि एटम होता क्या है। जैसे मुझे किसी का भी एटम निकालना, जैसे मान लो मुझे गोल्ड का एटम निकालना, तो गोल्ड जैसे देखा होगा तुम लोगों ने घर पे, तुम्हारे मम्मी के पास गोल्ड होगा या पापा के पास अंगूठी में पहनते होंगे गोल्ड होगा, तो गोल्ड है, ध्यान देना, हार्ड सब्सटेंस गोल्ड है, ध्यान देना, और बहुत ज़्यादा है, मतलब एक स्क्वायर के शेप में होगा या कुछ भी शेप में होगा। तो क्या करो, ध्यान देना, जो भी एलिमेंट्स है उसके छोटे छोटे पार्ट करते जाओ, छोटे 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 पार्ट करो, लास्ट में एक पार्ट आएगा जिसको तुम और डिवाइड नहीं कर सकते हो, और डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वही तुम्हारा क्या होगा, उस एलिमेंट का वो एटम होगा। तो समझ में आ रहा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। तो एटम समझ में आ रहा है। अब एक और चीज बात करते हैं कि अब एटम है क्या,
एटम की बात करते हैं हम लोग, एटम है क्या, तो एटम में ध्यान देना, एटम जैसे ध्यान देना यहाँ पे हम लोग लिख रहा है एटम, एटम के बारे में भी तुम लोगों ने कुछ सुना होगा। एटम जो होता है ध्यान देना क्या होता है, उसका स्फेरिकल शेप होता है, जिसके अंदर क्या, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ तो रिवॉल्व कर रहा है। जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ध्यान देना, न्यूक्लियस बोलेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ध्यान देना, वो क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक तो प्रोटोन है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन है। तो एटम बेसिकली क्या है, तो ध्यान देना एक स्फेरिकल पार्टिकल है। एटम क्या है ध्यान देना, स्फीयर इन शेप होता है नॉर्मली ध्यान देना। उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटोन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं ध्यान देना, रिवॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एटम, अभी मैंने बात किया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। मतलब एलिमेंट्स को तुम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे तो छोटा पार्टिकल मिलेगा, या छोटा जिसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते उसको क्या बोले, एटम। और देन एटम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एटम को जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, प्रोटॉन्स मिलता है और न्यूट्रॉन्स मिलता है। तुम समझ में आ रहा है, एटम, एटम के पास ध्यान देना दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है, न्यूक्लियर पार्ट मतलब ये न्यूक्लियस, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियर पार्ट में ध्यान देना क्या होगा, हमारा प्रोटोन और न्यूट्रॉन होगा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटम के बारे में समझ में आ रहा है, प्रोटोन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ होता है ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटोन पे हमेशा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, प्रोटोन पे हमेशा क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे हमेशा चार्ज क्या होगा ध्यान देना, कोई भी चार्ज नहीं होगा। ध्यान देना जितना ही इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही क्या होता है, अंदर प्रोटॉन्स भी होता है, इसलिए एटम हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये समझ में आ रहा है, एलिमेंट सभी को समझ में आ गया, एटम सभी को समझ में आ गया। एटम के बारे में मैंने ध्यान देना थोड़ा सा तुम्हें बताया कि एटम होता क्या है। एक्चुअली ध्यान देना इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है, कब, इसी ध्यान देना 8th क्लास में डिस्कस करना है, जब हम लोग एक ICSE का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब हम लोग एटम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एटम के अंदर तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एटम हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब जितना अंदर नेगेटिव चार्ज उतना ही अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो एलिमेंट्स के बारे में समझ में आ रहा है। अब बात करते ध्यान देना कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है। ध्यान देना अगर NCERT के करस्पॉन्डिंग जाए तो अभी तक ध्यान देना 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अभी तक हमारे पास क्या है, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ये ध्यान देना, ये जो NCERT का जो भी तुम्हें डाटा है ये ऑलमोस्ट 8-10 साल पुराना है। अभी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जो कि ध्यान देना अभी हमारे सिलेबस में नहीं आया, सिलेबस में नहीं आया तो ऑब्वियस बात हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में जो है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देना जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कितने डिस्कवर हो चुके हैं, ध्यान देना 118 डिस्कवर हो चुके हैं। 118 में से ध्यान देना 92 जो एलिमेंट्स है वो नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर से मिला हमें। 92 एलिमेंट्स जो है ध्यान देना वो किसे मिला, ध्यान देना नेचर से मिला हुआ है, जबकि बाकी का जो एलिमेंट बचा वो सब के सब क्या आर्टिफिशियली है, मतलब क्या है, मैन मेड है, जिसको हम लोगों ने क्या किया, लैब में बनाया। तो 92 एलिमेंट्स ध्यान देना उसमें 22 आर नॉन मेटल्स है और 70 आर मेटल्स। जो 92 एलिमेंट्स हैं जो कि ध्यान देना नेचुरल अकरिंग है, उनमें 22 नॉन मेटल्स है और 70 क्या है, मेटल्स है। तो ये समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ लेते फिर से। देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन टू अस टूडे, आउट ऑफ विच 92 आर फाउंड इन नेचर, वेल द रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। ऑफ ऑल द नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स 22 आर नॉन मेटल्स एंड 70 आर मेटल्स। तो ये सभी को समझ में आ रहा है कि पूरा जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, 118 है। 118 में से 92 जो 92 है, 92 बेसिकली क्या है, नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर से मिला है। बाकी जो बचा हुआ 18 + 8 = 26 एलिमेंट बेसिकली क्या है, हमारे मैन मेड है, मतलब आर्टिफिशियल है, जिसको हम लोगों ने लैब में बनाया है।
तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, उसमें क्या है 22 हमारे क्या नॉन मेटल्स से हैं और 70 क्या है मेटल्स है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे नेचर में दिखता है जितने भी एलिमेंट्स दिखते हैं उनमें से हमारे पास क्या मैक्सिमम हमारे क्या है ध्यान देना मेटल्स हैं। मेटल की संख्या ज़्यादा है और नॉन मेटल की संख्या कम है। 70 मेटल्स है और 22 हमारे क्या है ध्यान देना नॉन मेटल्स है। तो एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया ये क्या होता है। अब ध्यान देना हम थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हम लोग क्लासीफाई किसी भी चीज़ को करते क्यों है। ध्यान देना क्लासिफिकेशन जो करते ध्यान देना, क्लासिफिकेशन इसलिए करते ध्यान देना ताकि हम लोग को पढ़ना आसान हो जाए किसी भी चीज़ को। जैसे मैं बात करता हूँ ध्यान देना, अभी की बात नहीं मैं करता हूँ, मैं ध्यान देना बहुत मतलब 150-200 साल पहले की बात करता हूँ। अभी तो बहुत सारे एलिमेंट है, 150-200 साल पहले की बात करते हैं तो एलिमेंट्स क्या थे कम थे। कम इसलिए तो ध्यान देना क्योंकि डिस्कवर नहीं हुए थे, डिस्कवर इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि ध्यान देना उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं। मतलब एलिमेंट्स क्या था कम थे, कम थे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत आसान था। अब कुछ एलिमेंट्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सभी लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रट सकते और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी रट सकते या उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना बहुत आसान था। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई, एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी होनी स्टार्ट हो गए। मतलब ध्यान देना एलिमेंट्स क्या हो गए बढ़ने स्टार्ट हो गए, एलिमेंट्स बढ़ने स्टार्ट हो गए ध्यान देना। तो अब उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना तो मसला रट पाना मतलब मुश्किल होना स्टार्ट हो गया, मुश्किल होना स्टार्ट हो गया। मतलब लोगों ने सोचा कि कुछ डिफरेंट वे निकालते हैं ताकि ध्यान देना हमें इतना लंबा चौड़ा याद रखना ना पड़े। तब भी ध्यान देना उनके दिमाग में आया क्यों नहीं हम लोग क्या करते इसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं कि ये कुछ और है और ये कुछ और है। मतलब ये ए है और ये क्या है बी है, ए है तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी और बी है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी डिफरेंट होगी। तो समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ को क्लासिफिकेशन क्यों करते ध्यान देना, ताकि हम उस चीज़ों को आराम से पढ़ सकें या इजिली हम लोग उसको पढ़ सकें। तो क्लासिफिकेशन में ध्यान देना तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना, केवल एक लेवाइजर क्लासिफिकेशन पढ़ना। तो लेवाइजर क्लासिफिकेशन ध्यान देना तुम्हारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो थोड़ा सा मिक्स करके दिया हुआ है। एक्चुअल में मैं तुम्हें कहानी सुना देता हूँ कि लेवाइजर क्लासिफिकेशन हुआ कैसे था। सबसे पहले ध्यान देना किसी ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था वो हमारे क्या थे लेवाइजर भाई साहब ही थे, लेवाइजर भाई साहब थे। लेवाइजर भाई साहब ने क्या किया ध्यान देना एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया दो में कन्वर्ट कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ध्यान देना जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो केवल का केवल फिजिकल प्रॉपर्टी था, उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखा था, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी देख के एलिमेंट्स को क्या किया था उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब ध्यान देना मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी डिसाइड कर दी थी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कुछ डिसाइड कर दी थी और एलिमेंट्स को उठाया और एलिमेंट्स को उठाने के बाद पता चला कि प्रॉपर्टीज मेटल की तरह शो कर रहा है तो मेटल में डाल दिया, नॉन मेटल की तरह शो कर रहा तो नॉन मेटल्स में डाल दिया। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है। लेवाइजर भाई साहब ने क्या किया था क्लासीफाई किया था जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ध्यान देना दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पर ध्यान देना तुम्हारे नोट्स में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेवाइजर क्लासीफाइड ऑल द नोन एलिमेंट्स इंटू थ्री ग्रुप्स, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ध्यान देना यहाँ इन्होंने कंबाइन करके पढ़ाया जबकि मैं तुम्हें रियल बता रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेवाइजर भाई साहब ने क्या किया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा। पर जैसे ध्यान देना एक एलिमेंट ऐसा आया जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था तभी क्लासिफिकेशन क्या हो गया फेल हो गया, तभी वहाँ पर डिफाइन किया गया ध्यान देना उसको हमने क्या बोला मेटलॉइड बोला। इसलिए ध्यान देना यहाँ पे इसने कंबाइंड फॉर्म ही क्या पढ़ा रहे लेवाइजर क्लासिफाइड ऑल द नोन मेटल्स इनटू थ्री ग्रुप्स, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये समझ में आ रहा। फर्स्ट बात करते हैं मेटल्स की, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग मेटल्स की। मेटल्स में ध्यान देना कि मेटल्स कैसे पहचानेंगे कि ये एलिमेंट्स क्या है मेटल्स है। तो ऑलरेडी ध्यान देना उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की है, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड लश्चरस मेलिएबल डक्टाइल सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। कहने का मतलब ध्यान देना द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत हार्ड थे वो क्या कहलाएंगे ध्यान देना हमारे मेटल्स होंगे, लश्चरस होंगे। लश्चरस मतलब क्या होगा साइनी होगा,
जैसे तुमने देखा होगा सिल्वर बहुत ज्यादा साइन करता है, गोल्ड बहुत ज्यादा साइन करता है, तो लश्य समझ में आ रहा है साइनी। मेलिएबल मतलब ध्यान देना, ऐसा ऐसा मेटल्स ध्यान देना, ऐसा एलिमेंट जिसको तुम थीन सीट में कन्वर्ट कर सको। थीन सीट समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक ध्यान देना, जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का एक स्क्वायर का है, स्क्वायर का कोई मेटल्स है, तुमने ये मेटल्स है, तुमने क्या किया ध्यान देना, इतने से बड़े से थीन सीट में क्या किया, पीट पीट के हैमर से पीट पीट के क्या किया ध्यान देना, क्या कर दिया थीन सीट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो मैलिएबल समझ में आ रहा है। डक्टाइल, डक्टाइल ध्यान देना, डक्टाइल क्या बोलते हैं ध्यान देना, जैसे मेटल्स होते हैं ध्यान देना जिसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर क्या है डक्टाइल है, डक्टाइल क्योंकि ध्यान देना कॉपर फिर से बात करेंगे उसी में, कॉपर इस तरीके का ध्यान देना एक स्क्वायर में कॉपर था, मैंने इसको पीट पीट के क्या कर दिया, इस तरीके के लंबा सा वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरे लिए क्या है ध्यान देना, डक्टाइल, डक्टिलिटी को शो कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, मैलिएबिलिटी मतलब थीन सीट में कन्वर्ट कर देना, डक्टिलिटी मतलब ध्यान देना वायर्स में कन्वर्ट कर देना। और डक्टाइल समझ में आ रहा, तो डक्टाइल समझ में आ गया, मैलिएबल समझ में आ गया, लश्रस समझ में आ गया, हार्ड समझ में आ गया, सोनरस, सोनरस कहने का मतलब ध्यान देना क्या होता है, जब दो मेटल्स को टकराते हो और अगर वो साउंड प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं ध्यान देना, सोनरस प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं बोलते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ध्यान देना गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो, हीट हो और इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं ध्यान देना, मेटल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम इटीसी। तो मेटल समझ में आ रहा ध्यान देना, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, ऐसे एलिमेंट जो हार्ड होंगे उसको मेटल्स बोलेंगे, जो लश्रस होंगे मतलब जो साइनी होंगे उसको भी मेटल बोलेंगे, जो मैलिएबल होंगे मतलब जो थीन सीट में कन्वर्ट होंगे उसको भी मेटल बोलेंगे, जो डक्टाइल होंगे जो वायर में कन्वर्ट होंगे उसको भी हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। सोनरस होंगे, सोनरस मतलब ध्यान देना साउंड प्रोड्यूस करें, अगर दोनों टकराने पर साउंड प्रोड्यूस करते उसको हम लोग क्या बोलेंगे ध्यान देना, मेटल्स बोलेंगे। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है, ध्यान देना एक दूसरे इधर से उधर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटल्स। तो ध्यान देना आयरन है, आयरन तुम्हें पता है ध्यान देना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, तुम्हें ध्यान देना कभी ट्राई करना, घर पे ट्राई तो मत ही करना, फील कर सकते हो ध्यान देना गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कैसे फील कर सकते हो ध्यान देना, जैसे घर पे तुम्हारी मम्मी लोग चाय बनाती हैं ध्यान देना, तो चाय जो मतलब पकड़ते हैं सर, सॉस पेन जो होता है जो पकड़ते हैं हम लोग, वो प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक का नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक ध्यान देना गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, अगर वही वो लोहे का होता ध्यान देना तो क्या होता, गर्म हो जाता। तो समझ में आ रहा है, आयरन है, कॉपर है, कॉपर का वायर यूज करते हैं ध्यान देना, गोल्ड ऑब्वियसली बात है हम लोग किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिल्वर का भी बहुत सारा शेप है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तुमने खाने में यूज़ तो किया ही, खाने में यूज़ नहीं करते हो ध्यान देना, जब तुम टिफिन बॉक्स ले जाते हो स्कूल के लिए तो मम्मी लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो खाना होता है वो क्या करते हैं एल्युमिनियम फॉयल में, तुमने पढ़ा होगा एल्युमिनियम फॉयल, उसमें क्या करते हैं रैप करके भेजते हैं, रैप करके ले जाते हैं ताकि ध्यान देना क्या हो सके ध्यान देना, उसकी ध्यान देना बेसिकली क्या होता है तो सेफ रहे। तो एल्युमिनियम समझ रहे, एल्युमिनियम फॉयल का हम लोग यूज करते हैं। तो मेटल्स समझ में आ रहा है कि मेटल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, लश्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स, एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम इटीसी। ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ध्यान देना, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में ध्यान देना पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। नॉन मेटल्स में क्या है, द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, नॉन लश्रस, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। पूरा का पूरा मेटल की जो प्रॉपर्टी थी पूरा का पूरा ध्यान देना उल्टा नॉन मेटल्स का था। तो द एलिमेंट्स विच आर ध्यान देना, वहाँ पे हार्ड था, हार्ड डिफरेंट चीज, हार्डनेस डिफरेंट होता, कठोर होना, कठोर बोलते हैं। एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब ध्यान देना ब्रिटल वर्ल्ड जो होता है ध्यान देना वो बेसिकली तुम बोल सकते हो ध्यान देना कि कोई एलिमेंट है, अगर एलिमेंट पे मैंने हथौड़े से मारा, मारने पे छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना, ब्रिटल नेचर बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है, एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, नॉन लश्रस में समझ में आ रहा है, नॉन मैलिएबल समझ में आ रहा है, नॉन डक्टाइल समझ में आ रहा है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स समझ में आ रहा है, मेटल्स समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज क्या थी ध्यान देना, मेटल्स की डेफिनेशन क्या थी, एग्जाम्पल नॉन मेटल्स समझ में आ गया।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नॉन मेटल्स में ध्यान देना, यहाँ पे एग्जांपल दिया नहीं है, नॉन मेटल्स में एग्जांपल दिया नहीं है, पर नॉन मेटल्स में तुम एग्जांपल लिख सकते हो। ध्यान देना, पहला एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तुम्हारा, ध्यान देना। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल्स है। तो ये सब के एग्जांपल किसके, ध्यान देना, नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं और ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं, ध्यान देना, मेटलॉइड। मेटलॉइड कहना है मतलब, ध्यान देना, पीच वाला, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो मेटलॉइड्स क्या होगा, ध्यान देना, द एलिमेंट्स व्हिच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड। मतलब वो हार्ड भी होगा, ब्रिटल भी होगा, मेलिएबल भी होगा, ध्यान देना। मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टी मेटलॉइड मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स वाली भी शो करेगा। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में ध्यान देना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को रट लेना। बोरोन जो है, ध्यान देना, बोरोन को हम लोग सिंबल होता है बी। सिलिकॉन का जो सिंबल होगा, ध्यान देना, एस आई। आर्सेनिक का ध्यान देना, ए एस होता है। और जर्मेनियम का क्या होगा, ध्यान देना, जी। ये सब के ध्यान देना एलिमेंट्स के क्या होते हैं, ध्यान देना, सिंबल है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ध्यान देना, तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम चेक करेंगे कि उनका सिंबल कैसे लिखते हैं, नाम क्या है, सिंबल कैसे लिखते हैं, उसके अंदर प्रोटोन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, न्यूट्रॉन्स कितना होता है। तो मेटलॉइड समझ में आ रहा, मेटलॉइड्स समझ में आ रहा। तो अब ध्यान देना, लेबर्जर क्लासिफिकेशन करस्पॉन्डिंग हमने पढ़ लिया, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अब ध्यान देना, बात करते हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहने का मतलब, ध्यान देना, तो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं जो एक्चुअली कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान देना, नेचर में पाए जाते हैं। तो नेचर में पाए जाते हैं तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान देना। मैं एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, ध्यान देना। व्हाइट बोर्ड में ध्यान देना, मैंने अपने अनुसार बनाया है कि जो भी मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, ध्यान देना, वो तीन तरीके के होते हैं। एक तो क्या होगा, रिएक्टिव, एक रिएक्टिव होगा, ध्यान देना, एक मॉडरेट रिएक्टिव, और लास्ट वाला क्या होगा, ध्यान देना, लेस रिएक्टिव। या तुम बोल सकते हो मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, ध्यान देना। तीन तरीके से ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान सुनना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, हाथ से मैं लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर बता ही रहा हूँ। ध्यान देना, जो एलिमेंट्स होते, ध्यान देना, एलिमेंट्स में खासकर मेटल हो या नॉन मेटल्स हो, ये सब के सब, ध्यान देना, तीन तरीके की रिएक्टिविटी शो करते हैं। एक तो होता है मोस्ट रिएक्टिव, दूसरा क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव, और तीसरा क्या होता है, लेस रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। जैसे ये मोस्ट, मान लो ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। अब मोस्ट रिएक्टिव तुम ही सोचो, ध्यान देना, अगर किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो जो अकरेंस होता, ध्यान देना, वो दो ही होता है, या तो फ्री स्टेट होगा नहीं तो कंबाइन स्टेट होगा। अकरेंस होगा मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, वो जब भी नेचर में पाया जाएगा या तो फ्री स्टेट में पाया जाएगा नहीं तो कंबाइन स्टेट में पाया जाएगा। तो तुम खुद ही बोलो कि अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो फ्री स्टेट में पाए जाने की प्रॉबिलिटी तो बहुत कम होगी, वो जीरो हो जाएगा। अगर किसी के रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है किसी के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और कोई नया कंपाउंड बना लेगा। नया कंपाउंड मतलब क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म। तो समझ में आ रहा है, जो मोस्ट रिएक्टिव है वो हमेशा कहाँ रहने वाला है, कंबाइंड फॉर्म में रहने वाला है। जो लेस रिएक्टिव है वो हमेशा कहाँ रहने वाला, ध्यान देना, फ्री स्टेट में रहेगा। और जो मॉडरेट है वो कंबाइंड फॉर्म में भी होगा और फ्री स्टेट में भी होगा। तो ये समझ में आ रहा कि रिएक्टिविटी करस्पॉन्डिंग, ध्यान देना, कोई भी एलिमेंट्स हो, ध्यान देना, वो तीन तरीके के एलिमेंट्स डिफाइन किया, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा, मॉडरेट हमारा क्या होगा, ध्यान देना, कंबाइंड फॉर्म और फ्री स्टेट, जबकि लेस हमेशा क्या होगा, फ्री स्टेट, क्योंकि ध्यान देना, लेस रिएक्टिव है तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट करेगा नहीं तो कभी कंबाइंड फॉर्म में होगा नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग आते हैं अपने नोट्स पे, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा लिखा हुआ है, मेटल्स कैन अकर इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट।
मेटल्स कैन अकर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट बात करो और एलिमेंटल स्टेट, फ्री स्टेट मतलब नेचर में जैसे है वैसे ही पाया जाएगा, एलिमेंटल स्टेट भी नेचुरल स्टेट ही बोलते हैं, एलिमेंटल स्टेट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल स्टेट ही बोलते हैं। मेटल्स कैन अकर इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर और इन द फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड इन नेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जनरली रिएक्टिव मेटल्स फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स इन बोथ फ्री एंड एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट्स अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। ध्यान देना यहाँ पे इसने डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर दिया, इसने बोल दिया रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव और हाईली अनरिएक्टिव। तुम कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव कंबाइंड फॉर्म में, मॉडरेट कंबाइंड प्लस फ्री, जबकि लेस रिएक्टिव क्या होगा, ध्यान देना हमेशा फ्री स्टेट में। इसने कैसे डिफाइन किया, रिएक्टिव, जनरली रिएक्टिव मेटल्स फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट्स अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो ये सभी को समझ में आ रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम नेचर में पाया जाता है। एल्युमिनियम का जो ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, बॉक्साइट ओर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइट ओर। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, बॉक्साइट ओर, Al2O3.NH2O, कॉपर को कॉपर पाइराइट बोलते हैं, CO2S। आयरन का ओर होता है हेमेटाइट, Fe2O3। सिल्वर का आर्जेंटाइट, Hg2S। एल्युमिनियम ध्यान देना नेचर में बॉक्साइट के फॉर्म में ही पाया जाता है, तो एल्युमिनियम एक रिएक्टिव है, ध्यान देना। इसलिए ध्यान देना किस कंबाइंड फॉर्म में था, Al2O3.NH2। कॉपर भी रिएक्टिव है, ध्यान देना, इसलिए किस में है, कॉपर पाइराइट, CO2S। आयरन भी रिएक्टिव है, ध्यान देना, रिएक्शन इनका होता है, इसलिए हेमेटाइट ओर में पाया जाता है। हेमेटाइट ओर जिसमें पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, उस ओर का नाम क्या है, हेमेटाइट। और Hg2S भी ध्यान देना, ये क्या बोलते हैं इसको, अर्जेंटाइट ओर बोलते हैं। ये सब ध्यान देना जो एलिमेंट्स हैं उनका ध्यान देना नेचर में किस स्टेट में पाया जाता है उसको बताया गया है, कि एल्युमिनियम बॉक्साइट के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, कॉपर कॉपर पाइराइट के फॉर्म में, आयरन हेमेटाइट में और सिल्वर अर्जेंटाइट। ये सब के सब ध्यान देना ये क्या है, ध्यान देना ये ओर के नाम है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एल्युमिनियम कॉपर आयरन सिल्वर हमेशा पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का ओर का नाम क्या है, तो बॉक्साइट होगा, कॉपर का ओर का नाम क्या होगा, कॉपर पाइराइट, आयरन का ओर का नाम क्या होगा, हेमेटाइट, सिल्वर का ओर का नाम क्या होगा, अर्जेंटाइट। नेक्स्ट ध्यान देना, सिल्वर एंड कॉपर अकर इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड फॉर्म। ध्यान देना सिल्वर एंड कॉपर अकर इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड फॉर्म। ध्यान देना सिल्वर एंड कॉपर दोनों स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। इसका रीजन ध्यान देना, सिल्वर और कॉपर ध्यान देना मॉडरेट रिएक्टिव में आता है, मॉडरेट रिएक्टिव में आता है। गोल्ड इज फाउंड इन नेचर ऑनली इन फ्री स्टेट। गोल्ड इज फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। गोल्ड हमेशा ध्यान देना फ्री स्टेट में पाया जाता है। उसका रीजन है ध्यान देना, गोल्ड क्या ध्यान देना, लेस रिएक्टिव है, या तुम बोल सकते हो अनरिएक्टिव, गोल्ड का रिएक्शन बहुत कम होता है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखा है लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स ऑल्सो अकर इन फ्री स्टेट। जैसे मेटल्स ध्यान देना फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियस बात है नॉन मेटल्स में भी क्या होगा, मैंने वही डिफाइन किया, मोस्ट मतलब मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव कंबाइंड फॉर्म में होगा, मॉडरेट रिएक्टिव कंबाइंड प्लस फ्री, और लेस रिएक्टिव क्या होगा ध्यान देना, फ्री स्टेट। तो वही लिखा हुआ लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स ऑल्सो अकर इन द फ्री स्टेट। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ध्यान देना हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाएगा, नाइट्रोजन N2। एज वेल एज इन कम्बाइंड सिलिकॉन फॉस्फोरस इन नेचर। सिलिकॉन भी ध्यान देना नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, पर यह हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान देना कंबाइंड फॉर्म में ही पाया जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ तक ध्यान देना हम लोगों ने पढ़ लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हम देख लिया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है। ध्यान देना अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तब तक तुम लोग यहाँ तक नोट्स कॉपी कर लो, जो भी डाउट है ध्यान देना अभी थोड़ा सा एक घंटा हम लोग डिस्कस करेंगे, वही व्हाट्सएप पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।